नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, हमारे संवाददाता संतोष योगी की खबर। किसान दिवस बड़ा उत्साह पूर्वक छात्र छात्राओं द्वारा मनाया गया। UNGT विश्वविद्यालय HCHAL स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस LNCT विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश कृषि प्रदर्शनी एग्रीकल्चर एक्सीबिशन किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती किसान दिवस के उपलक्ष्य में कृषि प्रदर्शनी का आयोजन कृषि संकाय के छात्र छात्राओं के द्वारा किया। सर, किसान दिवस मनाया जा रहा है, प्रदर्शनी लगाई किसानों की। चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस जो है उसे किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए वो एक किसान थे। और धीरे धीरे जिस तरह से एग्रीकल्चर में बदलाव आ रहे हैं, उसी को देखते हुए यहाँ पर LNCT में न केवल बच्चों को थ्योरी के विषय में बल्कि प्रैक्टिकल भी उनको कराया जाता है, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि बच्चों ने अपने आप एक छोटी सी एरिया अगर किसी फार्मर के पास है तो वो कैसे उसके अंदर मल्टीपल क्रॉप लेकर के और कैसे अपने आप आर्टिकुलेट करके चीज़ों को बना सकता है, वो यहाँ मॉडल के माध्यम से दिखाया है। सर, बच्चों में बड़ा उत्साह देखा गया पूरे आयोजन को लेकर। ये उत्साह थोड़ा जगाया गया कि सिर्फ बाकी और ब्रांच ही नहीं, यह एक ऐसी ब्रांच है कि खाना सभी को चाहिए, बगैर उसके कुछ चल नहीं सकता। अब उसके अंदर इतने रेमिफिकेशन, इतने मॉडिफिकेशन हो रहे हैं तो उसको अगर बच्चे करेंगे तो वो आगे एक अपना स्टार्टअप, किसी की नौकरी करने के बजाय वो खुद अपना एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। सर, LNCT ग्रुप ने हमेशा युवाओं को रोजगार प्रदान करने का प्रयास किया। यही यहाँ हम बच्चों को सिखाते हैं कि वो रोजगार को किसी के अंडर में रोजगार करने के बजाय यदि वो अपना खुद स्टार्टअप करते हैं, और उसके लिए हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है, उसमें हम सारी सहूलियत उनको उपलब्ध कराते हैं, जिससे उनका DPR बनाना, फाइनेंसिंग कैसे हो सकता है, तो वो अपना खुद का उद्यम स्थापित कर सकते हैं और लोगों को जॉब दे सकते हैं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री की मंशा है। सर, कितने दिन चली है प्रदर्शनी? प्रदर्शनी तो एक दिन की अभी है, एक दिन का किसान दिवस था, उनका जन्म दिवस होते एक दिन है, लेकिन धीरे धीरे आगे ये जो है और भी बड़े रूप में 2-3 दिन की प्रदर्शनी हम इसको शुरू करेंगे। काफी दिन से तैयारी कर रखी है, ऐसा लग रहा है। करीब 15 दिन से बच्चे अपने स्वयं अपने आप लगे थे, जितने मॉडल देख रहे हैं इसमें LNCT ग्रुप ने एक भी पैसा नहीं लगाया, सारा सब बच्चों ने अपने आप किया, तो ये अपने आप में खुद बताता है कि उनके अंदर कितना उत्साह है और कितना वो किसी कार्य के प्रति समर्पित। सर, परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर सुबोध कुमार पांडे, डायरेक्टर एग्रीकल्चर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है, LNCT। मेरा नाम आकांक्षा पटेल है, मैं LNCT यूनिवर्सिटी से हूँ। हम लोगों का मॉडल है क्लाउड सीडिंग, मतलब आर्टिफिशियल बारिश की जरूरत है। जैसा कि हमारे इंडिया में 42% एरिया जो है वो ड्रॉट लाइन है, मतलब कि उसका हम लोग कुछ यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सूखे के कारण। और अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो 1.9 बिलियन हेक्टेयर ऐसी जमीन है जो कि ड्रॉट लाइन है, जिसका हम यूज नहीं कर सकते या उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग क्लाउड सीडिंग करते हैं। क्लाउड सीडिंग जो मेनली रहती है वो 3 टाइप से होती है, पहली ट्रेन के थ्रू जो कि हमारी IIT कानपुर ने करा के दिखाया, दूसरी होती है रॉकेट के थ्रू जो कि चाइना सबसे ज्यादा यूज करता है, और तीसरी होती है टावर के थ्रू हम लोग करा सकते हैं। ये टावर की हाइट हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 50 मीटर रखी है जो कि माउंटेनियस रीजन पे अपन लोग डेवलप करते हैं। ये टावर में अप्रोक्सीमेटली 16 से 18 फ्लेयर्स लगे होते हैं, जिसमें सिल्वर आयोडाइड सॉल्यूशन रहता है और वो स्प्रे होता है ट्राई के लिए कि ये क्लाउड में क्या है। और क्लाउड का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रहता है जिसमें आइस प्रेजेंट होती है, वो आइस का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और सिल्वर आयोडाइड सेम होता है, और इनके कंडेंसेशन के थ्रू वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म होता है, और इसी वाटर ड्रॉपलेट से पानी गिरता है, और इस पानी का यूज हम लोगों ने हमारी पूरी फील्ड में किया है।
जैसे कि आप देख सकते हैं जितना प्लांट्स को पानी लेना था उसने ले लिया और बाकी प्लांट्स ने जितना नहीं यूज करा वो ड्रेन हो गए। हम लोगों ने डैम में वाटर को कंजर्व करके हम लोग पूरा ये कर रहे हैं। अब ये हम लोगों ने क्रॉप हमारी एंटीगेट पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, जैसे हमने ये सरसों की क्रॉप लगाई है इसमें हमने कोई हर्बिसाइड या केमिकल का यूज नहीं किया है। सरसों की क्रॉप में हमने ये येलो स्टिक की ट्रैप लगाया है, जो एफिड होते हैं वो मेनली आके इसमें चिपक जाते हैं, जो फसल है उसको हार्म नहीं करते हैं। इसके बाद सर हमने ये कवर क्रॉप लगाई है, ट्रैप क्रॉप, जैसे हमारा मेन क्रॉप है टमाटो, इसके चारों ओर हमने गेंदे के फूल लगाए हैं, तो जो हमारे इंसेक्ट आएंगे वो गेंदे पे इफेक्ट करेंगे, बाद में हमारे टमाटर के प्लांट। इसके बाद हमने ये झटका मशीन बनाई है, तो झटका मशीन ये गेहूँ चना होता है ना उसके चारों ओर लगाते हैं, तो जो एनिमल्स होते हैं उसको थोड़ा सा झटका लगता है। इसके बाद सर ये फेरोमोन ट्रैप है, ये हमारे बगीचों में लगाया जाता है मेनली, जिसके लिए हम इसमें फीमेल का हार्मोन यूज करते हैं, जो मेल्स इंसेक्ट होते हैं वो इसमें आके फंस जाते हैं और मल्टीप्लिकेशन नहीं होते। बड़ा मॉडल मछली पालन और बिना मिट्टी की खेती कर, पहले तो मछली पालन के अंदर मछली को दर्जी वामित देते हैं खाने के तौर, वो खाना के निकालने के बाद जो उसका वेस्ट निकलता है उसका जो खा रहता है वो पानी के अंदर मिलकर पानी की पोषक तत्व मात्रा बढ़ा देता है, वही पानी हम बाद में पौधों के अंदर रूट बोन के अंदर मतलब जड़ों के पास प्रोवाइड कराते हैं, जिसके वजह से वो अच्छे पैदावार करता है और अच्छी क्वालिटी में रहता है, और यही ये पानी हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं करीब 8 से 10 बार बिना किसी नुकसान के। बताना चाह रहा है कि जो एक एल्यूजनेशन होता है सर स्लोपी एरियाज पे कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है, हम इसी मॉडल से किसान को ये बताना चाह रहा है हम अच्छा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, तो इसमें अब जो स्लोपी एरियाज में कल्टीवेशन करके मिक्सड इनकम अर्न कर सकता है सर। ये हमारा एनर्जी मैनेजमेंट का यूनिट है सर, इसमें हम सोलर पैनल लगी है, ये प्रिसीजन फार्मिंग का सेंटर है सर, प्रिसीजन फार्मिंग में ऑटोमेटिक सेंसर्स होते हैं सर, एक पौधे को एक टाइम फिक्स करने के बाद क्या होता है पौधे को पानी उसी टाइम में देता है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है जो लेबर का कॉस्ट चार्ज है वो हम बचा सकते हैं सर। ये हमारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का फॉर्म है सर, इधर अलग अलग क्रॉप्स लिया है, इधर अलग अलग क्रॉप्स इसलिए लिया हमने अगर एक सीजन में एक ही क्रॉप आप ग्रो कर सकते हैं तो इसका सॉइल फर्टिलिटी का स्टैंडर्ड डिक्रीज हो जाता है, और ये हमारा पास्टर लैंड का डाइव स्टॉक का पास्टर लैंड मैनेजमेंट का है सर, ये हमारा सॉइल एरोजन मैनेजमेंट करने का कवर क्रॉप्स कल्टिवेट कर रहा था इधर, और है वेटलैंड कल्टिवेशन का सर, इधर पानी इकट्ठा होता है सर इसलिए छोटा सा कैनल बनाया था इधर फिशेस का कल्टिवेशन के साथ साथ हम प्लांट भी ग्रो कर सकता है, जो फिशेस का एक्सक्रीटा होता है ना वो हम फर्टिलाइजर का रूप में भी यूज कर सकते हैं। नाम बता दीजिए आपको। नाम है खोली मनी है, और ये कैबेज है, और ये टोमेटोज है, ये रोटिंग का है। यहाँ पे अपन अलग अलग टाइप के प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, जो ज़्यादा कैनोपी वाले रहते हैं उनको सबसे नीचे यूज़ कर सकते हैं, जितने ज़्यादा प्लांट्स यूज़ करेंगे अपन उतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और कम से कम कॉस्ट में अपन स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कोई सा भी वेस्ट मटेरियल हो कुछ भी हो अपन उस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है, और ये जो मटेरियल है जैसे हम लोग ने बैम्बू यूज़ किया है यहाँ पे, वो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, कहीं पे भी ग्रो कर जाता है बैम्बू को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस चीज़ में अभी फ्रूटिंग भी हो चुकी है, ये हमने स्ट्रॉबेरी का प्लांट लगाया था, ये सक्सेसफुल भी आजकल बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मेट्रो सिटीज़ होती हैं वहाँ पर आप डेली यूज़ में कर सकते हो, लोग जो फ्लावर्स का शौक रखते हैं उनके भी प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, जैसे हम लोग के यहाँ पे अभी गोल्डन तेतुरा प्लांट लगाया है, और एक ये रोज़ भी लगाया है। परिचय दे दीजिए। माय नेम इज शुभ साहू फ्रॉम एलन सिटी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर स्कूल। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ, नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।